युवा कोई बनना चाहिए, मनीष कश्यप जी को आना चाहिए। जी आना चाहिए। मनीष कश्यप इंजीनियर भी है भाई, वो पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा भी है और सब कुछ जानकारी है उसको कि बिहार को कैसा चलाना है। मनीष कश्यप है तो मजदूरों का मतलब मुद्दा उठाए जरूर, नहीं मुद्दा उठाया भाई, कोई गरीबों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मनीष कश्यप ऐसा नहीं है गरीबों के बारे में सोचा है। मनीष कश्यप की पार्टी टिकट है भाई, तो निर्दलीय तो बहुत बढ़िया होगा, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं तभी तो आगे निकला भाई। हम लोग का पूरा सपोर्ट है हम लोगों को, मगर पूरा जनता सपोर्ट करेंगे तभी निकलेंगे वो। हाँ तो ठीक है, पूरा जनता सपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच टॉक न्यूज। आज हम बेतिया जिला के राज कचहरी में है। ये लोग डेली बेस पे काम करते हैं, ये मजदूर हुए ये लोग। समझिए कि कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार जाती है, लेकिन बिहार में मजदूरों का सुनने वाला कोई नहीं है। आज तक जितने भी सरकार आया कहे कि हम मजदूरों के लिए ये वादा कर देंगे वो, लेकिन जिस दिन इन लोग का काम मिलता है उसी तक जीवन यापन परिवार का ठीक ठाक से कट जाता है। जिस दिन काम नहीं मिलता है ये लोग किसी को भूखे भी सोना पड़ता है। पूछेंगे क्या हाल है चचा? ठीक है। हाँ भूखे तो सूची रहता है, जिस दिन मजदूरी मिलता है उस दिन तो आप लोग खा लेते हैं, आज जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन उपास से जाते हैं। सरकार से क्या मांग होना चाहिए आप लोग? पैसा, दूसरा का पैसा, राशन। हाँ राशन मिलता है आपको? मिलता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मिलता है। हाँ और सरकार से क्या मांग होना चाहिए? राशन चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। समझिए कि गरीबों का वोट देके लोग बनाते हैं सरकार, चाहे प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, लेकिन रियलिटी में जिस दिन इन लोग को काम नहीं मिल पाता है घर में इन लोग को भूखे सोना पड़ता है। क्या सही बात है? अच्छा सही बात है, सही। आप लोग को मिलना चाहिए कि जिस दिन काम नहीं मिले उस दिन कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। आपका एज कितना हुआ है? हमारा 60-65। 60-65 वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। हाँ मिलता है, मिलता है। एक वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? 400 रुपया में कैसे हो जाएगा जीवन यापन एक महीना? अब मिलता है वही तो हम क्या करें, सरकार जब ध्यान नहीं देता है तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए और अच्छा है, रुकिए ना, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। सरकार से आप लोग का क्या मांग होना चाहिए, क्या की लोकसभा चुनाव है, क्या मांग होना चाहिए सरकार से? हमको सुरक्षित चाहिए, सुरक्षित चाहिए। हाँ। हमको काम नहीं लगता है, काम लगता है खा लेता नहीं लगता है, तो सोना पड़ता है, माने भूखे सोना पड़ता है, भूखे सोना पड़ता है। तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? सरकार होगा, सरकार होगा, काम देना चाहिए, काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। समझिए कि बिहार एक मजदूर फैक्ट्री बन चुका है। हाँ। जितने भी यहाँ से मजदूर सप्लाई होते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, लेकिन बिहार में कोई भी ऐसा बड़ा फैक्ट्री नहीं है जहाँ 5,000-10,000 मजदूर बैठ के काम कर सके। क्या फैक्ट्री है बिहार में? ना, एको नहीं है। फैक्ट्री है बिहार नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार, सरकार है। वोट दे के तो सरकार को आप लोग बनाते हैं, तो सरकार से सवाल पूछते हैं आप लोग? नहीं, नहीं पूछेगा। कौन आपके बल्ला, कौन पूछेगा? हम लोग पूछेंगे, हम लोग पूछेंगे। तब सरकार सबसे आंख में आंख डाल के पूछिए कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगा। अब तो हम पूछते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं? समझिए कि बेचारे गरीब है, कहते हैं कि हम पूछते हैं सरकार से, लेकिन सरकार सुनती कहाँ है? क्या सही बात है? सही बात है, एकदम सही बात है। नहीं सुनते हमारा साथ कौन सुनता है? गरीबों का आप दिखा करके चला जाइएगा कॉलेज, ऐसे की तैसे खड़ा रहेंगे यहाँ पे हम? हम नहीं आते थे तो कोई दूसरा आपको दिखाने, कोई नेशनल मीडिया आया है क्या? कौन दर्द समझा है? कोई नहीं समझा, कोई नहीं समझा। मेरा प्रयास, अगर मेरे प्रयास से आपको अगर कोई सरकार सुने, क्या मेरा प्रयास, हम अपना प्रयास कर सकते हैं ना? मेरा काम है सरकार तक बातों पहुँचाना। तो पहुंचता है सर, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता है। हाँ। आज भी खड़े हैं, कल भी यहीं पे खड़े थे, हमारा बाप भी यहीं पे खड़ा था, हमारा दादा भी यहीं पे खड़ा था, हम भी यहीं पे खड़ा है। हम भी यहीं पे खड़ा है। सरकार से, आप युवा है, पढ़े लिखे लगते हैं जी, किस क्लास तक पढ़े हैं? हम 9th। 9th जी। तो सरकार से एक मिलना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ये बताइए, हम 9th तक पढ़ करके यहाँ पे लेबर का काम करते हैं। हाँ। आज काम लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम ऐसे ही चला जाएंगे। कल हमारा राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कहीं कोई बीमार हो गया उसके लिए दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्या है सरकार में? समझिए कि गरीब बिहार में गरीबों का दर्द कौन समझ सकता है? ठीक बा, ठीक बा। रोजगार मिला था? नहीं नहीं मिला, सही नहीं, कब मिला? नहीं क्या मिला था? मिलता है क्या मांगे सरकार से?
सरकार से पैसा मांगना चाहिए। हाँ। गरीब आदमी है, हम लोग का सूझ जाता है, माई आग का अनर है। हाँ। भाई का ऑपरेशन हो गया बाबा सिर का, 2 लाख रुपया डॉक्टर मिलता है। हाँ। डॉक्टर का पैसा नहीं देंगे तो डॉक्टर इलाज करेगा नहीं करेगा? हाँ। इतना हालत इसका खराब है कि इसका साबुन तक नहीं है कि इसका कान में देखिए, ये समझिए कि बिहार में गरीबों का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आए दिन बिहार में हर 6 महीना साल भर पे बिहार में सरकार बदलती है, सरकार सभी की आती है, लेकिन गरीबों के सुनने वाला कोई है क्या चाचा? ना कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या मांग होना चाहिए आप लोग सरकार से? हम लोग का रोजगार मांग होना चाहिए। रोजगार सही से नहीं मिल पाता, आप लोग काम करने आते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं, क्या मांग होना चाहिए सरकार से आप लोग के लिए? अरे चंपारण में एक भी फैक्ट्री नहीं है, बिहार में कहीं फैक्ट्री है? मजदूर आता है, घूम घुचा जाता है, घर जाता है तो चुपचाप बाल बच्चा रोता है, खाना भी नहीं मिलता है। इधर बिहार में हाल है। तो चंपारण में चीनी मिली सब है ना, उसमें नहीं रोजगार मिलता है क्या? सब तो बंदे है, बंदे है, चनपटिया बंदे है। अब समझिए कि चंपारण में चीनी मिल, यहाँ पे गन्ना के खेती ज्यादा होता था, ठीक है ना, इसके लिए चीनी मिल है, लेकिन बहुत चीनी मिल बंद है, बहुत बंद है। समझिए यही चंपारण वो है जो महात्मा गांधी, यहाँ पे राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को बुलाए और नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेज करवाते थे, उनका विरोध किया था। यही चंपारण है, चंपारण की धरती, जो गरीब के गरीब को कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता है। चुनाव आता है तरह तरह के बात करता है लोग, लेकिन जाने के बाद जीत जाने के बाद कोई काम नहीं होगा, कोई नहीं काम करता है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग का? विकास के मुद्दा रहेगा। विकास कौन कर सकता है? आने वाले पीढ़ी करेगा, युवा करेगा कोई। मनीष कश्यप जी को जानते हैं आप लोग? जानते हैं। सुनने में आया कि वो भी खड़ा हो रहे हैं। अच्छा, वो खड़ा हुआ है तो गरीब के मसीहा है। गरीब के मसीहा है, गरीब के मसीहा है तो खड़ा। वो सुनने में आया कि अगर टिकट नहीं था निर्दलीय भी वो खड़ा हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मालूम है मनीष कश्यप जी को जानते हैं क्या? जानते हैं। सुनने में आया कि बेतिया से आप लोग निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं। हाँ, न्यूज पे देखते हैं उनको। क्या निकल जाएंगे क्या इस बार? ये तो गारंटेड है, पूरा गारंटेड है, पूरा गारंटेड है, पूरा गारंटेड है, पूरा गारंटेड। हाँ, निकल जाएंगे मनीष। हाँ, मनीष का सब के लिए हम तो जान दे देंगे। जान दे दीजिए। हाँ, जान दे देंगे। मतलब आप लोग युवा हो क्या? आप समझिए कि यहाँ पे लेबर आके काम करते हैं, लेकिन मनीष का सब के लिए जान दे दीजिए। जान दे देंगे, जान दे देंगे। वो बढ़िया किए हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। एक बात है, मनीष कश्यप है तो मजदूरों का मतलब मुद्दा उठाए जरूर। हाँ। नहीं मुद्दा उठाया भाई, इतना भी पत्रकार आया, कोई गरीबों के बारे में नहीं सोचा। हाँ, लेकिन मनीष कश्यप ऐसा नहीं पत्रकार है कि गरीबों के बारे में सोचा है। मनीष कश्यप भी गरीब के बारे में बताया नहीं था कि हाँ कि गरीबों का क्या मसला होना चाहिए। आज तो कोई युवा आएगा तो बिहार में जब भी कभी युवा बनेगा कोई, जब बिहार का विकास होगा, अब सबको बुरा हो गया है। युवा कोई बनना चाहिए, मनीष कश्यप जी को आना चाहिए। जी आना चाहिए। मनीष कश्यप इंजीनियर भी है भाई, वो है पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा भी है और सब कुछ जानकारी है उसको कि बिहार को कैसा चलाना है, है ना? तो वो सबसे बढ़िया है। अभी पार्टी टिकट नहीं देता भाई, तो निर्दलीय तो बहुत बढ़िया होगा। तो हम लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे निकलेगा भैया। तब मैंने हम लोग पूरा सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है, सपोर्ट है हम लोगों को, मगर पूरा जनता सपोर्ट करेंगे तभी निकलेंगे वो। हाँ, तब ठीक है, पूरा जनता सपोर्ट। हाँ हाँ, चलिए यहाँ पे हम आज राज कचहरी में है और यहाँ के मजदूरों का कहना है कि मनीष कश्यप अगर आते हैं, निर्दलीय सांसद बनते हैं, तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।